जानी मानी कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही के अपने इंटरव्यू में अपनी फैमिली प्लानिंग को लेकर खुलकर बात की। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से इस महामारी ने उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब एक इंटरव्यू के दौरान भारती सिंह से ये सवाल किया गया कि क्या वो साल 2020 में बेबी प्लानिंग करेंगे, तो इसके जवाब में भारती सिंह ने कहा कि हाँ, वो माँ बनना चाहती हैं। वो और हर्ष इस साल बेबी करने की प्लानिंग कर रहे थे। सोचा था कि 2020 में 2020 खेल लें, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब इस पर ब्रेक लगाने की ज़रूरत आ गई है और वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो आगे कहती हैं कि वो इस महामारी के दौरान इस बारे में नहीं सोच सकती और इस टेंशन में बेबी प्लान नहीं कर सकती। उनकी ये इच्छा है कि उनका बेबी एक हेल्दी माहौल में आए और इस वक्त हॉस्पिटल जाने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और जाहिर सी बात है कि प्रेग्नेंट होने के बाद रेगुलर चेकअप के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। वेल, उन्हें लगता है कि अब वो एक साल बाद ही बेबी प्लानिंग कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जानकारी के लिए बता दें कि लंबे रिलेशनशिप के बाद भारती ने साल 2017 में हर्ष लिम्बाचिया के साथ शादी करने का फैसला लिया था और हाल फिलहाल ये दोनों कॉमेडी शो हम तुम और क्वारंटाइन में नजर आ रहे हैं। मनोरंजन जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।